प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की भी अपार संभावनाएं हैं। राज्य निर्माण के बाद पूर्व की दो सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन दिशा सही नहीं होने के चलते इसका लाभ प्रदेश को नहीं मिला। बाहर के निवेशक राज्य में आते रहे, स्थानीय उद्योगपति पूरा जोर लगाते रहे, लेकिन नतीजे बेहतर नहीं रहे। शायद इसके पीछे सरकार की औद्योगिक नीति बाधक रही है, पर अब ऐसा नहीं होगा। नई सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास की नई नीति तैयार कर दी है। राज्य में अब बेतहाशा स्पंज आयरन और पावर प्लांट नहीं, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए भूपेश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं भी कर दी है। ये तालियां, ये खुशियां, ये उम्मीदें, ये तमाम लोग और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये नजारा है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का, ये नजारा है उद्योगपतियों के बीच मुख्यमंत्री की मौजूदगी का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने नई नीतियों के तहत कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कृषि प्रधान राज्य में स्पंज और पावर प्लांट खूब लग गए, अब यहाँ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज, हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सस्ती दरों पर जमीन और टैक्स इत्यादि में छूट भी दी जाएगी। साथ ही कोर सेक्टर में सीमेंट से संबंधित उद्योगों को प्रतिबंधित सूची हटाकर इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टील उद्योगों को IRNS की सुगम उपलब्धता के लिए विशेष पहल की जाएगी। श्रमिक होने पर छोटे व्यापारियों को गुमास्ता लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी की संख्या 10 की जाएगी। फैक्ट्री एक्ट में विद्युत से संचालित उद्योगों में 10 या अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले तथा बिना पावर के उपयोग से संचालित उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम संख्या 20 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव भारत सरकार को सहमति के लिए भेजा जाएगा। वर्तमान में जो कोर सेक्टर में स्टील सीमेंट से संबंधित उद्योग में जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है, अभी तक आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, किसी कोई आवेदन नहीं मिला किसी के लिए। ये आज नई समाचार सुने हैं कि रायपुर दुर्ग में NGT ने उसके लिए भी लड़ाई लड़ेगी, ऐसा नहीं है। NGT अपनी बात रखेंगे, यहाँ के लिए उद्योग लग सकते, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में भू आवंटन की जो दर है उसमें 30% की कमी की है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि पे जो लीज रेंट है जो 3% किया जा रहा है, उसे घटाकर 2% किया जा रहा है। उद्योग की स्थापना हेतु सभी प्रकार के क्लियरेंस समय सीमा के अंतर तक उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो, जिसकी मांग आप कर रहे थे, वो सिंगल विंडो सिस्टम है, उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह सभी सेक्टरों में विकास को समान रूपों में ले जाना चाहते हैं, उसमें औद्योगिक विकास की कई घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। राज्य की तरक्की में उद्योगों की भागीदारी भी अहम है। वैसे सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की दिशा में प्रयासरत है। उम्मीद है कि सरकार सही नीति और दिशा से औद्योगिक विकास की दशा के साथ छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास होगा। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।